देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम परिसर में धरना प्रदर्शन दिया है। इसके साथ ही मांग पूरी न होने पर काम बंद हड़ताल करने की चेतावनी दी है। स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ठेका सफाई कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों के द्वारा नगर निगम परिसर में धरना दिया गया है, जिसमें 7 सूत्रीय मांगों को पूरा किया जाने को लेकर नगर आयुक्त को ज्ञापन भी दिया गया। इस ज्ञापन के माध्यम से ठेका सफाई कर्मचारियों ने 366 के स्थान पर उनका प्रतिदिन का मानदेय 374 किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही ठेका कर्मचारियों को ट्रैक सूट दिलवाए जाने और महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की मांग की है। 7 सूत्रीय मांग पूरी न होने पर ठेका सफाई कर्मचारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सफाई मजदूर संघ एवं ठेका सफाई कर्मचारी संघ के संयुक्त मोर्चा द्वारा कर्मचारी समस्याओं को लेकर हम लोग धरने पर बैठे। किस तरह की समस्या है? यूनियन द्वारा, संयुक्त मोर्चा द्वारा 3 जनवरी को नगर आयुक्त महोदय को एक ज्ञापन दिया था 7 सूत्रीय, जिसमें कर्मचारियों को मानदेय बढ़ाने हेतु और कर्मचारियों की वर्दी और जो सबसे बड़ा घोटाला है वो EPF। कर्मचारियों का 12% EPF कटता है, उस हिसाब से लगभग 1250 रुपये कटते हैं, जबकि कुछ केंद्र सरकार जितना पैसा नगर निगम हमें देता है इतना ही पैसा केंद्र सरकार की तरफ से आता है, लेकिन कर्मचारियों का 1250 रुपये तक जमा नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा एक फ्रॉड हो रहा है नगर निगम में, लेकिन उस पर कोई भी जांच करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम कई बार उसको बता चुके हैं लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं हो रहा, इसीलिए और जिसमें परमानेंट कर्मचारियों की 2022-23 की वर्दी है, गर्म और ठंडी ठेका कर्मचारियों की वर्दी है, इन सभी समस्याओं को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं। कब तक ये धरना चलेगा? आज हमारा 2 बजे से काम करने के बाद ये धरना चालू हुआ है, कल और धरना चालू रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक। यदि इन 2 दिनों हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो सोमवार से काम बंद हड़ताल। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।